which gives me what? Benzoic acid. Okay, now fifth one, we'll write from esters, right? अब ईस्टर को लिखा जाए यहाँ पर, मान लो ये है अपने पास सी डबल बॉन्ड है ओ सी टू एच फाइव, ठीक है ना। ईस्टर में क्या करूँगा, मैं पानी डालूंगा, सब किए पे पानी फेर दिया तुमने, नालायक। ईस्टर पे मैंने पानी डाल दिया, क्या होगा पानी डालने से, एच ओ एच है, एच इसके साथ चल जाएगा, ओ एच इसके साथ आ जाएगा, मतलब क्या आएगा प्रोडक्ट, सी डबल बॉन्ड हो एंड देन यूल गेट वॉट, ओ एच प्लस यूल गेट C2H5OH, समझ में आया क्या, बेंजोइक एसिड प्लस इथेनॉल, बेंजोइक एसिड प्लस इथेनॉल, राइट। और इसी इथर में मैंने मान लो एक बेस डाल दिया, इसी इथर में मैंने मान लो एक बेस डाल दिया C2H5, इफ आई पुट इट इन अ बेस इन ए ओएच, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एंड एन ए प्लस प्लस, आई विल गेट C2H5 ओ एच, करेक्ट। ये तो आ गया, अब क्या बाकी, सी टू एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, करेक्ट। इसको हाइड्रोलाइसिस कर दो, वंस यू डू हाइड्रोलाइसिस यू गेट द प्रोडक्ट एज व्हाट, समझ में आई मेरी बात, यू गॉट द बेंजोइक एसिड हियर प्लस दिस एसिड यू हैव गॉट, ओके। Is this clear? समझ लगा है सगळ्यांना? Yes. इच्छित मन लगे डाउट है? वरती लिहिलेलं मेकॅनिझम आहे ना कुठला, राईट हँड कॉर्नर, नाही तो अजून एक एक्झाम्पल आहे, जस्ट वन मोर एक्झाम्पल, तो ये हो गया आपके प्रिपरेशन। अब देखने हमको आगे जाके हम लोग देखेंगे रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन है आपके एसिड के। ओके, राइट दिस डाउन क्विकली, एनी डाउट हियर, एनीवन हैज, जस्ट मिनट, आई जस्ट पुट इट फॉर चार्जिंग।
डन हो गया ये सब. जाया गया अभी. ओके ये सब देखा हमने क्या थे, ये सब थे आपके प्रिपरेशन वाले रिएक्शन, ठीक है ना. ये सब क्या थे आपके, ये सब आपके थे प्रिपरेशन वाले रिएक्शंस, करेक्ट. अब क्या देखना है हमको, हमको इसके अभी रिएक्शंस देखने हैं, ठीक है. सो वी विल नाउ सी द रिएक्शंस. Write down now chemical reactions. Chemical reaction किसके देखने हैं? Chemical reactions है आपके carboxylic acid के, ठीक है. Chemical reactions of carboxylic acid you want to see, you know. And now how we are going to see it? Just pay attention. Actually acid का एक type होता है, देखो ऐसा होता है acid वाला type. Double bond O, OH, ठीक है. तो one of the reactions would be that of the cutting, correct? Cutting of the bonds. एक type of reactions में ये वाला bond cut होगा, correct? दूसरे type of bond में ये वाला cut होगा, right? और तीसरे type में ये पूरा group क्या होगा, ये पूरे group का reaction हो जाएगा, correct? तो ऐसे चार अलग अलग टाइप के रिएक्शन हमको देखना है कि यहाँ पर अभी होने वाले. तो सबसे पहला कौन सा है बच्चों, करेक्ट. सबसे फर्स्ट इज योर सर. सर वेगळा टॉपिक आहे ना पूर्ण, की प्रिपरेशन चाच खाली सुरू आहे अजून. नाही नाही नाही, आता हे ऍसिड आता हे रिएक्शन करणार आहे, आता ऍसिड त्यांचे आता रिएक्शन सुरू करणार आहे अलग अलग. ओके सर. हो सर, त्यांचे आता प्रिपेअर तर करून झाले, बनवले तर खरे आपण ऍसिड, पण आता हे रिएक्ट कसे करणार ह्याची आपल्याला चर्चा करायची इथे, ठीक आहे. सो क्लीवेज ऑफ व्हॉट वी आर सीइंग हियर इज क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, करेक्ट. पहिली रिएक्शन ही असणार. सेकंड रिएक्शन इज व्हॉट, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, correct. Third is the reactions involving COH group, okay. Ja reaction mein COH vapar lagela hai. And fourth is your substitution reactions. Correct. Fourth is what, substitution reactions. So these four types we are going to see different. First of all, you write down the first part which we are going to discuss is your what, like cleavage of OH bond, correct. This bond ko tod ke abhi dikhne wale ki kaun kaun ye reaction show karega, means that's what is meant na. If you are seeing this reaction, correct, that means your carboxylic acid here is acting as an acid. And who will show this reaction? That we'll see. That is your action of metals, correct. If I take an acid, plus if I react with Na, what I get is what, RC double bond O Na, correct. यहाँ पर H replace होता है Na से और मिलता है H2. अभी H2 अकेले तो नहीं आएगा, correct. एच अकेले तो नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, कंबाइन होकर आएगा, दोनों साथ में आएंगे ना, इसलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, सबको दो दो लेना पड़ता है ना. अकेला एच के जिद की वजह से, छोटा है लेकिन बहुत जिद करता है, इसलिए पूरा परिवार को सपोर्ट करना पड़ता है, सबको दो 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 लेना पड़ता है. किसकी वजह से, एच की वजह से. अकेला नहीं आने को मांग रहे हैं, कंबाइन आके मांगना, उसको कॉम्बिनेशन में आना है, ठीक है, करेक्ट. एक्शन ऑफ मेटल्स वी सॉ, एंड नाउ सेकेंड पार्ट. सो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन, you can write the first reaction. Second reaction is action of base,
action of base. Suppose if you take an acid RC double bond to OH plus, you react with the base called as NaOH. What will happen? What will the product come? Product is going to be very, very easy, my dear students. RC double bond to ONa plus क्या आएगा? Plus पानी. Simple है ना? Na इधर आ जाएगा और H. और इसके ऊपर मान लो अभी इसको अपन रिएक्ट करें Na2CO3. क्या आएगा प्रोडक्ट इसका? क्या आएगा प्रोडक्ट बताओ? तो एक तो सिंपल है, एक तो क्या आएगा, एक तो आपका ये आएगा, एक प्रोडक्ट तो फिक्स ही रहेगा हमेशा, है ना? वो माइनस एन ए प्लस तो हमेशा फिक्स ही रहेगा. इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बता सकते हैं? H2CO3 कैसा बनना? एसिड एच थोड़ी एन ए डिस्प्लेस करना, एच तो रिएक्टिविटी में खाली है एन ए पिक्सा, करेक्ट? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, एन ए कैन डिस्प्लेस एच, दैट्स व्हाट इज डूइंग. तो एच में उतना ताकत नहीं है कि एन ए का साइड ले लिया जाए, करेक्ट? ही कैन नॉट टेक द साइड ऑफ दैट, राइट? सो व्हाट यू गेट इज फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट, लेट्स टेक दिस टू, वी हैव टू टेक इट टू. एच अकेला है, कुछ नहीं कर पाएगा एच, ये भी टू हो गया. प्लस व्हाट यू गेट इज, अभी एन ए तो बैलेंस हो गया, बचा क्या? CO3, करेक्ट? राइट, CO3 में से एक तो बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, प्लस CO3 का एक ओ तो बाकी है, CO2 बाहर निकलेगा, एक ओ बाकी है, और यहाँ पर दो एच बाकी है. क्या बनाएंगे? दो एच और एक ओ, H2O बना देंगे बच्चों, ठीक है? प्लस यू विल गेट नाउ प्लस NaHCO3. व्हाट यू विल गेट इज वन मोर बेस वी आर एडिंग, व्हाट यू गेट इज RC double bond to O minus N Na plus, करेक्ट? प्लस प्लस इसके बाद क्या आएगा? CO2 प्लस, अभी H तो है ना दो, करेक्ट? प्लस H2. ओके, सो वेरी सिंपल रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ बेस. बेस के तीन रिएक्शन हो गए, मेटल का एक रिएक्शन हो गया. सर तो कंपाउंड ला काय म्हणतात जो फॉर्म होतो, इतला हा वाला, तो आरसी डबल बॉन्ड ओ एनए वाला, या दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज आर इज देयर ना, इफ आई इन प्लेस ऑफ आर इफ आई टेक CH3, दिस इज व्हाट इथेनॉइड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथेनॉइड, करेक्ट? CH3 double bond O minus would be sodium ethanoate. Sir. Bola. Sir, the second heading was the action of base. Ek ato shabd. Oh, base. Right. Then we khali sake tini se tini base upper level. Okay, sir. Write this down. Understood?
Okay, done. ठीक है. ठीक है, इसको मिटाओ अभी. मैं हो गया कि नहीं बताओ कुछ तो. यस सर, डन. ओके, now let's move on to next one, right? We had seen the acyl chlorides, acyl anhydrides, right? Here we started with chemical reaction, and first part is done, now cleavage of OH bond, right? And now cleavage of CO bond, it would take time, right? Cleavage of here going to CCOH bond, right? So aap yahan par likh sakte ho ki ye aapka second topic hai, na? Cleavage of ये बॉन्ड आपको तोड़ना है. दिस बॉन्ड यू नीड टू ब्रेक. क्या करेंगे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? थोड़ा ज्यादा एनर्जी तो लगने वाला है ब्रेक ना. तो इसमें अभी चार रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं. फोर रिएक्शन वी आर गोइंग टू सी हियर ऑल्सो. कौन से है चार रिएक्शन? लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज नथिंग बट यूर formation of acyl chlorides. Formation of acyl chlorides. Correct. Now let's take an alcohol. सब लोग को पता है क्या करना है इसमें. Now let's take an alcohol over here. If I take RC double bond O, sorry, not alcohol, but an acid. And this is famous reaction which all of you have already done. Not the same reaction, but the type of the reaction. If I take here PCl3, if I take here PCl5, and if I take here SOCl2, correct? ये याद आ रहा है किसी को? PCl3, PCl5, SOCl2, ये सब alcohols में करे थे हमने, और इसी का थोड़ा सा बहुत हम लोग यहाँ पर भी पार्ट देखने वाले. सबका कॉमन प्रोडक्ट आता है क्या? सब जगह Cl आ जाएगा. RC double bond to Cl, correct? Plus और सबके क्या आएंगे? बाय प्रोडक्ट आएंगे, राइट? सबके क्या आएंगे? बाय प्रोडक्ट. इसका बीच वाले का बाय प्रोडक्ट क्या आता है? POCl3, राइट? पहले वाले किसी को जानते हैं? इसका तो पता है सबको, SO2 प्लस HCl हवा में उड़ जाते हैं ना. PCl3 का किसी को याद है क्या? क्या आया था हमारा मिनिमम नंबर्स? PCl3 का क्या आता है? कौन सा एसिड है वो जो आता है? फास्फोरस एसिड. हाँ, वेरी गुड. फास्फोरस, इसको बोलते हैं H3PO3. तो यहाँ पर ये तीन लेने पड़ेंगे आपको, करेक्ट? तो अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लेना, मतलब बैलेंस करना पड़ता है हर एक रिएक्शन. ओके, और इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है बच्चों? सबसे अच्छा मेथड यदि मुझे गिनना है तो कौन सा रहेगा इसमें? SOCl2. हाँ, वेरी गुड. SOCl2, टार्जन प्रोसेस, करेक्ट? इज द बेस्ट मेथड. इट इज द बेस्ट मेथड. ओके, इज द बेस्ट मेथड. नाउ सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन अभी देखने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग सबसे ज्यादा अभी टाइम स्पेंड करने वाले, राइट? शायद हमारे 9:30-10 यही बच जाए इस टॉपिक में, ठीक है? शायद कम में भी हो जाए, देखते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स.
right? And this reaction is called as Fischer's esterification, right? Fischer's esterification. What we need to do is that we need to take one acid, correct? And we need to take one alcohol, correct? क्या होता है? पानी चले जाता है बच्चों, पानी चला गया यहाँ से, चला गया पानी. तो पानी चला गया तो क्या करेंगे? R C double bond हो, अच्छा क्या O R dash, ना क्या बचा है आपके पास? ये बन गया ईस्टर. बस इतना ही था ये रिएक्शन बच्चों, और कुछ नहीं है. बस क्या बनाना है आपको? बस आपको बनाना है ईस्टर. तो नहीं मेरी बात, बस क्या बनाना है? ईस्टर, राइट? बन गया आपका ईस्टर. लिख लो इसको, लिख लो इसको. अभी अभी तो शुरुआत है, बस ऊपर का भी लिखो और ये भी लिख लो. इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है. बाय द वे दिस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. रिएक्शंस आपके रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल एरो डाल के इसमें ऊपर एच प्लस डाल देना, ठीक है? आ रहा है क्या? Done writing with this. हो गया क्या ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी शायद हो ही गया होगा आपका. ओके, मोस्टली टुडे हैव बीन डन, राइट? लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन फर्दर वाइज दिस रिएक्शन. लेट्स चेक इट आउट. सो व्हाट विल हैपन? लेट्स टेक नाउ समथिंग इन प्लेस ऑफ आर. आई विल टेक सम ग्रुप CH3 डबल बॉन्ड हो, OH प्लस क्या आएगा? HO C2H5. और यहाँ पर क्या लेंगे आप लोग? आप कॉन्सेंट्रेटेड H2O स्कोर, उसी से आपको क्या मिलेगा? H प्लस. कॉन्सेंट्रेटेड H2O स्कोर से आपको H प्लस मिलेगा. और यदि H प्लस मिल गया तो क्या होगा?
करेक्ट, एच प्लस मिल गया तो एसिड का ये एच प्लस हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, कोई बता सकता है प्रोडक्ट क्या आएगा? सिंपल है, ये पानी को निकाल दिया इधर से, क्या आएगा? सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, दिस इज द प्रोडक्ट वी गेट, है ना। राइट, क्या डालना पड़ता है आपको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ता है इसमें से, पानी बाहर निकालना है तो क्या डालना पड़ेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन करवाना है तो पानी उसमें निकालने के लिए डिहाइड्रेशन एजेंट से कॉन्सेंट्रेट एच फोर कॉन्सेंट्रेट एच थ्री पी ओ फोर ना सिर्फ डाल सकते हैं, जो कि अच्छे से उसको पानी को निकालेंगे, पानी को निकाल देंगे, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट नाउ फॉर दिस रिएक्शन स्पेशली व्हाट हैपेंस इज दैट देयर आर सम बल्की ग्रुप्स इन्वॉल्वड, करेक्ट। ऐसे रिएक्शंस के लिए क्या होता है ना, लिख क्यों नहीं रहे हैं, तो व्हाइट कलर का है, करेक्ट ना, बल्कि ग्रुप्स, करेक्ट। बल्कि ग्रुप्स डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर बोथ ना एसिड्स एज वेल एज एसिड एज वेल एज अल्कोहल, दोनों के लिए बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप मतलब आर जो लिखे ना आर, आर और आर डैश दोनों जगह बल्कि बल्कि रहे तो क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत बहुत कम हो जाएगा। जैसे हमने पिछले बार भी देखा था एलडीएच के टर्म में कि प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप्स डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्टली, वेरी फास्टली, करेक्ट। यहाँ पर भी क्या होता है, बल्कि ग्रुप डाल दिए तो क्या होगा, रेट रेट क्या हो जाएगा, रेट विल गेट रिड्यूस जस्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बल्कि ग्रुप, ओके। अब ऑर्डर क्या होता है एसिड के लिए ना, फॉर एसिड्स विच अल्कोहल और एसिड्स दे एग्जांपल है, फॉर एसिड्स क्या लिखेंगे ऑर्डर, फॉर एसिड्स व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर दिस इज ग्रेटली रिएक्टिव दिस इज देन दिस इज कम, करेक्ट। एंड देन व्हाट कुड कम, अगला कोई जानते हैं क्या ये सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू लिखेंगे या फिर आर टू लिख देंगे? यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको, सी एच थ्री लोगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जस्ट मेक इट ए जनरलाइज केस, ठीक है। इसको क्या करो, इसको जनरलाइज केस, सबसे पहले इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। और एच की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, ठीक है। एच की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर लिख दूंगा, राइट। एक्चुअली हमको ये वन डिग्री टू डिग्री में लिखना है ना, ओके। लेट्स चेक आउट हाउ वी कैन राइट इन वन डिग्री टू डिग्री, ग्रेटर देन आर सी एच टू सी ओ एच, करेक्ट। अब एक एक एच कम करते जाओ इसमें से, एक आर टू सी ओ एच, और ये आएगा आपका आर थ्री सी सी ओ एच, करेक्ट। तो सी ओ एच ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम लोग, क्या करते जा रहे हैं ना, आर को बढ़ाते जा रहे हैं बस इस कार्बन को, और इसी कारण ये आर सी ओ एच की जगह भी हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पर भी सी एच थ्री लिख देंगे ताकि सिंपल, सी एच थ्री में से एक एच कम कर दिया और एक आर आ गया, एक एच कम कर दिया एक आर आ गया, एक एच कम कर दिया और एक आर आ गया, तो आर थ्री सी सी डबल बॉन्ड ओ एच बन जाता है आपका। दिस इज द वे the reactivity will be depending, correct? And this was for your acids. Now for your alcohols, what will be there? For alcohols, what would be there? क्या आएगा? सबसे पहले आपका इथेनॉल, मीथेनॉल आएगा, फिर उसके बाद 1 degree alcohol, then 2 degree alcohol, and then 3 degree alcohol. ओके,
This is the order for acids and this is the order for the base. So alcohols. Okay. Ishna nak phase samajhte ka handwriting ka nahi. ठीक था. आता कसं बरोबर उत्तर दिलं? जस म्हणायचे की समजत तर नाहीये सर, पण काय थोडंफार तर लिहिण्यापुरतं कसं तरी काम चालून घेते. बरोबर ना? नाही सर, नाही सर, समजतंय. ठीक आहे, गुड. ओके क्या? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. ये तो हो ही गया सबका, बराबर ना? ठीक है, अब तो हमने देख लिया. ठीक है, अब क्या होता है एस्टरीफिकेशन. अब हमको देखना है मैकेनिज्म. तो बच्चों एक चीज याद रखो कि पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एक ही चीज रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म लोग देखते हैं, और कौन सा? वो एस्टरीफिकेशन प्रोसेस है. तो सबसे पहले अभी स्टेप वन में क्या है, हमको एक अल्कोहल ऐड करना है. किसमें? एसिड में. एसिड में अल्कोहल ऐड करना है. और वो कैसे करेंगे हम लोग? इट इज गोइंग टू बी एन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, राइट? मतलब एसिड डाल के अल्कोहल को जबरदस्ती उसमें क्या करना है, उसमें घुसाना है ना, जैसे एसिड डाल के. ठीक है, लेट्स टेक द एसिड. ओके, क्या करेंगे? एसिड कैटलाइज्ड, एसिड तो डालना पड़ेगा इसमें. ये इस पर ये कर जाएगा, और ये इसमें सारे के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल है बच्चों, वो याद रखना आप.
ठीक है बॉन्ड ओ एच सॉरी क्या आएगा प्लस ठीक है क्या आ गया ये ऐसा ओएच आ गया। अब क्या करना है हमको आगे नाउ नेक्स्ट इज ऐड द अल्कोहल ताकि अल्कोहल को ऐड कर दो है ना आपको पता है पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन कार्बन पार्शियल पॉजिटिव तो ओ जाके यहाँ पर अटैक करेगा करेक्ट ना एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक अप विल फॉर्म ओएच तो क्या फॉर्म हो गया आपका आर सी ओएच ओएच क्या आ गया यहाँ पर क्या गया यहाँ पर एच ओ और आर डैश अभी ओ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए ओ के ऊपर आ गया था आपका प्लस चार्ज ठीक है ओ हैज गिवन हिज इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई ओ हैज गॉट व्हाट प्लस चार्ज ओके तो ये हो गया एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है रिमूवल ऑफ एच करेक्ट माइनस एच ये वाला एच निकल जाता है ताकि स्टेबल बन पाए है ना क्या बन गया आपका आर सी ओ एच OH और क्या गया आपका OR ठीक है इसको R डैश ले लेते हैं इसको डैश लेते हैं सॉरी तो दिस H विल गो आउट ना सो दैट स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड ना राइट। अब ये तो हो गया क्या आपका एडिशन ऑफ अल्कोहल एसिड कैटलिस्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल ताकि स्टेबल बन पाए। अब रिएक्शन पूरा हुआ है कि हमको ईस्टर मिला है क्या ईस्टर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है राइट। अब इसमें क्या करेंगे नाउ दिस दिस बिकेम योर स्टेप वन राइट यहाँ तक। अब स्टेप टू क्या है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन मतलब एसिड डाल के फिर से पानी निकालना पहले एसिड डाल के अल्कोहल गाड़ के आप क्या एसिड डाल के क्या करना है अल्कोहल को वाटर को निकालना है तो क्या करूँगा इसमें एच प्लस डाल दिया ठीक है तो कोई तो ये जाके इधर अटैक करेगा बराबर ना इसके कारण क्या बन जाएगा आपका आपका ये बन जाएगा आर सी ओ एच और ये बन जाएगा ओ एच टू प्लस और ये बन जाएगा आपका ओ आर डैश राइट। अब आगे क्या होगा आगे क्या होगा बताऊं आपका ओ एच है ओ एच टू प्लस है ओ आर डैश है आर है करेक्ट है ना राइट। आगे क्या होना चाहिए इससे हमको क्या चाहिए आर ओ आर तो चाहिए बराबर है ना और सी डबल बॉन्ड ओ चाहिए वो है ना तो बाहर कुछ निकलते हुए दिख रहा है क्या आपको यहाँ से यहाँ से बाहर क्या निकलेगा बताओ ना ओ एच टू प्लस ग्रुप क्या बहुत स्टेबल ग्रुप है क्या बच्चों बताओ इज ओ एच टू प्लस ग्रुप वेरी स्टेबल ग्रुप नो इट्स नॉट स्टेबल व्हाट इज ओ एच टू प्लस हमने क्या देखा ओ एच टू प्लस हाईली अनस्टेबल तो बाहर जाने की कोशिश करेगा ना बाहर जाने की कोशिश करेगा तो क्या है ये इधर झपट लेगा इसको क्या आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच करेक्ट क्या करेगा ये प्लस चार्ज बना देगा है ना ओ एच टू चला गया और ये आपका आ गया ओ आर डैश करेक्ट आपका ओ आर डैश आ गया अभी हमको एच तो नहीं चाहिए ना राइट वी डोंट रिक्वायर दिस एच सो व्हाट इज टू बी डन ऑफ दिस एच इज वाटर डाल दो इसमें तो क्या होगा अभी वाटर डालने से वाटर का लोन पर जाके इस एच के ऊपर अटैक कर सकता है एच विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कम आउट तो फाइनल पर यू गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस यू गेट व्हाट एच थ्री ओ प्लस तो आपका ये आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस क्या आ गया एच थ्री ओ प्लस तो इस तरह आपका बन गया है क्या ये Esterification. Okay. Is how you got a ester with you. Okay, understood this concept. Any doubt here? Sir, second last step में the H attack करतो है कि O attack करतो है? H2O करतो है.
व्हाट इज अटैकिंग ऑन एच सेकंड लास्ट स्टेप मध्ये ना वॉटर स्टेप मध्ये लास्ट स्टेप मध्ये H2O चा O चा लोन पेअर तो H वरती अटॅक करतो ठीक आहे सर बोला सर त्या सेकंड स्टेप मध्ये आपण आर ओ एच टाकल्यानंतर तो आर ओ म्हणजे तो पूर्ण आर ओ एच कंपाऊंड खाली लागतो का तिथे हो सगळेच येतात ना तो ब्रेक नाही होत का आर ओ एच नाही आर ओ एच का ओ घेऊन जाईल ना ओ अटॅक करतो ओ सोबत घेऊन जाईल अच्छा ओके आर ओ एच ब्रेक नाही होणार तेच म्हणतो पुढे जाऊन तो ब्रेक होतो कंपाऊंड कारण ब्रेक करायचं कारणच नाही ना काही What is the reason for it to breaking unnecessarily? That's why when it comes down, H will come out like that. Okay, sir. Any other doubt anyone has? Sir, ते second last step मध्ये वरती काय झालंय ते कळत नाही नक्की वरती कुठला सर ते डबल बॉन्ड ओ आहे का तिकडे आणि एच अटॅच्ड ओ राईट डबल बॉन्ड ओ आहे आणि ओ वरती प्लस चार्ज आहे ओ वरती प्लस चार्ज आहे ओके सर आणि तो एच आहे तसाच ओ आणि एच सिंगल बॉन्ड आहे ओ वरती प्लस चार्ज आहे आणि खाली डबल बॉन्ड आहे लास्ट स्टेप मध्ये काय होणार एच टू ओ चा ओ जाऊन एच वरती अटॅक करणार आणि एच त्याचे इलेक्ट्रॉन सोडून जाईल ओ कडे त्याच्यामुळे ओ चा जो नेगेटिव्ह प्लस चार्ज होता तो प्लस चार्ज पट न्यूट्रल होतो त्याच्यामुळे आर सी डबल वन ओ चुरतो ओके लाईक दॅट हॅपन्स अलग लक्षात काय होते हो सर कळलं Any doubt anyone has still more? Sir, the second last step madhe tithe OH 2 वरती पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे कार्बन वरती नेगेटिव्ह डेव्हलप होईल मग ती लोन पेअर परत कार्बन कडेच कशी येईल नेगेटिव्ह नेगेटिव्ह कसं अटॅक करते सेकंड लास्ट स्टेप मध्ये कुठे निगेटिव्ह अटॅक करते सर ते आर सी ओ एच टू ओ आर डॅश आणि ओ एच ती स्टेप सेकंड स्टेप का सेकंड लास्ट सर सेकंड लाईन मध्ये राईट मोस्ट जो कंपाऊंड आहे तिथे राईट ओ एच टू प्लस ना हा येस सर काय होतंय त्याच्यात काय प्रश्न बघा सर ओ एच टू वरती प्लस आहे म्हणजे कार्बन वरती मायनस डेव्हलप होईल पण मग ती लोन पेअर मग परत ओ एच ची लोन पेअर परत कार्बन कडे कशी येते नेगेटिव्ह नेगेटिव्ह कडे कसं येईल नाही नाही आधी काय होणार ओ एच टू इज व्हेरी हायली अनस्टेबल हा बाहेर चालला जाईल ओ एच टू कोणाचे कार्बनचे इलेक्ट्रॉन घेऊन जाईल तो अलग लक्षात कार्बन इलेक्ट्रॉन घेऊन गेला तर काय फॉर्म होईल आर सी ओ एच ओ आर डॅश प्लस चार झाला इथे कार्बन वरती ऑक्सिजन काय बघतो आता बिचार कंगाल आहे इलेक्ट्रॉन दिले पाहिजे इट गिव्ह इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हॉट ओके लाईक दॅट हॅपन्स सर तुम्ही वेगळी स्टेप लिहिताय का तीच स्टेप वेगळा याच्या तीन याला याला चल ओ आणि याचे लोन पेट देऊन टाकले खाली त्यामुळे ओ वरती प्लस झाला आणि एच तो तसा जाईल आणि आता असे कार्बन चार चार बॉन्ड कम्प्लीट झाले लाईक दॅट त्या कार्बनला चार बॉन्डची गरज होती तर अशा प्रकारे ते कार्बनचे चार बॉन्ड पण पूर्ण झालेत ओके सर
ओके एनी अदर डाउट Fine. Do you have a break now? Yes, sir. So you can take break and you can come back. Then we are yet to see two more reactions of this OH bond and then almost done with the chapter. Okay. Yes. And then some more two reactions are there. Reaction involving COH group and substitution reaction. दो पार्ट बाकी अपने. ठीक है तो आ जाओ वापस इसको मैं ऐसे रखता हूँ.
We'll begin now. So we saw how ethers are prepared, correct? Now we need to see a technique by which we can understand कि वही oxygen आ कहाँ रहे से? ये oxygen, right? Alcohol का oxygen. तो ester में जो हमारा final ester बना है, correct? ये oxygen कौन सा है? वह किसका oxygen? ये वो किधर से आ रहा है? Acid से आ रहा है? या अल्कोहल से आ रहे हैं? कैसे पता चलेगा आपको? बताओ, हाउ विल यू कम टू नो फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम? एसिड और ईस्टर और अल्कोहल? एसिड से आ रहा है कि अल्कोहल से आ रहा है? कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं पता चलना. इसके लिए एक टेक्निक है, दिस कॉल्ड एज अ ट्रेसर टेक्निक, राइट? नेम ऑफ द टेक्निक इज व्हाट? नेम ऑफ द टेक्निक इज ट्रेसर टेक्निक. ठीक है, मैं आपको बता दूं. लिख लिया जाए. Correct. Tracer technique for what? Tracer technique for tracing. What will be tracing? We'll be tracing the oxygen. है ना? कौन सा oxygen है? वो हमको trace करना है. ठीक है? कैसे करेंगे? वो देखना है हमको. Now for that, let's take an acid. So I have taken this acid, correct? And if I put alcohol, correct? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? Alcohol का जो O है ना, वो मैं थोड़ा अलग इस्तेमाल करूँगा. I'll use an isomer of an O. Okay? Getting points so that it becomes like this, right? O मैंने क्या किया? Correct. इसका isotope इस्तेमाल किया मैंने. Not isomer, isotope. ये O16 है, O18 इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? और इसमें मैं डाल रहा हूँ भी concentrated, है ना, H2SO4, जो कि अपना reaction रहता है. इससे मुझे product में क्या मिल रहा है? देखो, मुझे product में मिल रहा है. And this is the final product which they are testing now. कि वो उनको भी पता नहीं एसिड कहाँ से आ रहा है, तो ये टेस्ट करके वो उनको देख रहा है. तो जब टेस्ट करते हैं तो उनको कुछ ऐसा दिखता है ना, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा. अरे तुम लिख रहे हैं. Right? So they it appears to be something like this. करेक्ट. तो क्या उनको क्या पता चला यहाँ से? ये टेस्ट करके उनको पता चला कि ये ओ कहाँ से आ रहा है. ओ कहीं से नहीं आ रहा है, ओ अल्कोहल से आ रहा है. समझ आएगी मेरी बात? फ्रॉम दिस दे गॉट टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वेयर दिस कमिंग, दिस ओ इज कमिंग फ्रॉम एन अल्कोहल, राइट? नन अदर. और देखो ये ओ और आर ऐसे जुड़ जाएंगे, है ना, करेक्ट? और ये H2O कैसे बनेगा? ये ऐसा टूट जाएगा ये, करेक्ट? जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था. सिंपल है. नाउ वन मोर टेबल ट्रेस, है ना, और एक ट्रेसिंग करेंगे. वो क्या ट्रेसिंग करेंगे? लेट्स टेक एन एसिड नाउ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, राइट? प्लस क्या लेता है वो? एच ओ आर डैश, है ना, उसमें डाल दिया उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अभी यहाँ पर भी क्या देखते हैं हम लोग? करेक्ट. यहाँ पर भी हम लोग देखते क्या मिलते हैं हमको? यहाँ पर भी हम लोग अभी एसिड में अलग वाला ओ ले रहे हैं, एसिड में अलग ओ ले रहे हैं, है ना. तो ये सब करने के बाद हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश प्लस प्लस हमको मिलता है O18 किसके साथ? H2O, करेक्ट. तो पानी का जो ओ कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है एसिड से. समझ में आई क्या मेरी बात? समझ लगा? यहाँ म्हणतो अपन ट्रेसर टेक्निक. काय ट्रेस करतो आपण त्याच्यात? त्याच्यात आपण ट्रेस करतो की कुठून आपला ऑक्सिजन येतोय. ऍसिड मधून आला आहे की अल्कोहॉल, आपलं अल्कोहॉल मधून आला आहे, राईट? दिस व्हॉट वी ट्रेस्ट हियर. अंडरस्टूड? एनी इन डाऊट हियर? काय आहेत का नाही कोणी बघा, सगळे गेले काय? अंडरस्टूड? इज इट क्लिअर? एनी डाऊट हियर? Anyone has any doubt? Yes, no? No, sir. Okay, good. Good, good. Fine.
ठीक है. सो ये हो गया ट्रेसरी टेक्निक. नाउ वी विल सी आवर थर्ड रिएक्शन. करेक्ट. हम लोग चलते हैं अपने तीसरे रिएक्शन नंबर थ्री पे, जिसका नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड्स. राइट. फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एसिड एंड हाइड्राइड्स. करेक्ट. नाउ सी देयर आर टू थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद द फर्स्ट थिंग. बाद में दूसरा चीज देखेंगे. क्या करेंगे हम लोग? एसिड एंड हाइड्राइड मतलब क्या? जैसे हमने पहले भी देखा था कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर, है ना, हमने देखा था देखो पहले भी इसके, तो वो हमको बनाना. तो उसके लिए क्या लेगा? हमको दो एसिड लेंगे, है ना. तो मैं क्या करता हूँ, दो एसिड ले लेता हूँ. ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर भी ले लें आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दो एसिड ले लिए, है ना. अब क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच टू ओ निकालना है हमको यहाँ से, इसलिए क्या डालूंगा मैं यहाँ पर, आई पुट सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग एच टू ओ फोर, और आई कैन पुट पी टू ओ फाइव. ठीक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया ताकि यहाँ से क्या निकल जाए, यहाँ से पानी निकल जाए. और जब पानी निकल जाता है तो बच्चों क्या मिलता है हमको, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर. ये इसी के बारे में बात कर रहा था. इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं एसिड एंड हाइड्राइड्स, है ना. प्लस क्या आएगा? प्लस अपने पास आएगा पानी. ठीक है, प्लस क्या आएगा? पानी, है ना. और ये रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन बिल्कुल रिवर्सिबल, मतलब पानी इसमें डाल दिया तो फिर से आपको, है ना, रिएक्टेंट मिल जाएंगे. लेकिन हमको फिर से ये नहीं चाहिए ना, ये बनाया क्यों? तोड़ने के लिए क्या? मान लो किसने घर बना दिया, ठीक है, मान लो किसने क्या बना दिया, किसी ने घर बना दिया. करेक्ट. और क्या कर रहे हैं, है ना, जो हथौड़ा लेके घर के खिले ठोके थे ना, उसी हथौड़े से घर को तोड़ रहे हैं अभी. राइट. ऐसा होता है क्या? मान लो अथर्व चव्हाण ने घर बना दिया, है ना. करेक्ट. और घर बनने के बाद तुरंत उसको तोड़ने लगा, तो घर बनाने का मतलब ही क्या था? बराबर. तो हमको फिर से रिएक्टेंट नहीं चाहिए, है कि नहीं? रिवर्सिबल नहीं चाहिए. तो रिवर्सिबल अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू अवॉइड, है ना, टू अवॉइड रिवर्सिबल रिएक्शन. करेक्ट. रिवर्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो एसिड से इसमें हम लोग ना दो रिएजेंट डालेंगे. देखो अभी एसिड में डाल दो, सबसे पहले मैं डालता हूँ यहाँ, मैंने डाल दिया यहाँ पर SOCl2 डाल दिया. ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ पर आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल. करेक्ट. आर सी डबल बॉन्ड ओ एच गिव्स मी व्हाट? गिव्स मी एन ए ओ एच, मतलब इसमें एन ए ओ एच डालेंगे तो क्या आ जाएगा मुझे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस आ गया. ठीक है, तो ये दोनों एसिड थे, इनको थोड़ा रिएक्शन में कर दिया मैंने, है ना. क्या मेरा ये में मेरा उद्देश्य है कि मैं रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप कर दूं. अब बच्चों होता क्या है, देखो जैसे ही ये बन जाते हैं इनको साथ में ले लूंगा मैं. राइट. एज दे आर फॉर्म आई विल टेक देम टुगेदर. ओके, सबसे पहले क्या करूंगा, अभी जो बने हुए हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और ये बना हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस, है ना. क्या करूँगा, सिंपल इनको हीट कर दूंगा. हीट करने पे एन ए सी एल जो है वो बाहर आ जाएगा और हमको सिंपल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि रिवर्सिबल नहीं है. क्या है यही प्रोडक्ट हमको चाहिए था, आर प्लस क्या मिल गया मुझे, प्लस मिल गया मुझे एन ए सी एल. करेक्ट. तो ऐसे अप्रोच से आपको एक सिंपल एसिड मिल सकता है और मिक्स्ड एसिड मिल सकता है. मिक्स्ड सिंपल मतलब क्या, आर और आर दोनों सेम है ना. मिक्स्ड मतलब क्या, आर आर डैश अलग अलग है, तो कुछ भी बना सकते हो. राइट. फ्रॉम दिस अप्रोच यू कैन यूज एनीथिंग, यू कैन मेक एनीथिंग, है ना. सो आई कैन राइट हियर दैट दिस अप्रोच, राइट, इज यूज्ड हियर, इज यूज्ड टू प्रिपेयर, अप्रोच इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिंपल एज वेल एज
mixed, correct, as well as mixed acid and hydrates. Simple, as well as mixed acid and hydrates, right? तो इससे आप लोग दोनों बना सकते हो, है ना? तो ये हो गया आपका रिएक्शन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्रेट्स, जो कि बहुत सिंपल है. इसमें बस एक चीज आपको याद रखना है कि हाउ टू अवॉइड मेकिंग इट रिवर्सिबल इन नेचर. ओके, ठीक है, इसको लिख लो फटाफट. इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, जो कि अपना चौथा है, दिस इज योर फोर्थ रिएक्शन ऑफ द सेकेंड वाला पार्ट. मतलब स्टिल वे आर ब्रेकिंग द OH बॉन्ड ओनली, करेक्ट, सी डबल बॉन्ड OH बॉन्ड ही ब्रेक कर रहे हैं अब तक. यस, जी पिंक मध्ये लिहिलेली रिएक्शन आहे तिथे डेल्टा बरोबर जी कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आणि P2O5 पण लागेल का? नाही नाही नाही, पाणी काढतच नाही ना आपण. वी आर नॉट रिमूव्हिंग वॉटर, राईट? यस. सो सिंपल, सो नॉट रिक्वायर्ड. P2O5 म्हणजे एजंट्स या टाइप मध्ये लागत नाही. नाही, दे डिहायड्रेटिंग रिएजंट मीन्स हाइड्रेट को निकालना है, डिहाइड्रेट टू रिमूव वाटर. इधर पानी निकालना ही नहीं तो क्यों डालना है H2SO4 वहां पर. ओके सर, सो वी विल नॉट स्पेंड हियर अननेसेसरली, है ना, कॉस्टली आइटम्स लाइक H2SO4 P2O5 विदाउट एनी यूज. सिंपल, यू हीट इट, NaCl विल कम आउट लाइक दैट, बिकॉज Na एंड Cl आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. तो Na और O का थोड़ा बॉन्ड हमने गड़बड़ कर दिया, हीट दे के थोड़ा उसको तोड़ दिया, तो Na विल इजीली गेट अट्रैक्टेड टू Cl लाइक दैट. ओके ओके सर. हो गया लिख के?
डन राइटिंग. Okay, so we'll see the fourth now. Fourth is your formation of amides. Amides to pata hai sabko, C double bond O group ke side mein NH2 group hai na. So simple, is reaction is very simple. Let's take an acid. Phir se ye wala bond todna hai humko. Kya karenge isme? Ammonia dal denge. Okay, we'll put NH3. Aur N to sabko pata hai kahan se kya attack karega. कहीं नहीं जाके अटैक करेगा, इस एच के साथ जुड़ जाएगा. ठीक है, तो क्या आएगा आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस NH4+. एंड वंस यू हीट दिस, वाटर विल कम आउट. वाटर कहाँ से आ रहा है, ये H2 और ये O, उसको निकाल दो. क्या बचता है आपके पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बचेगा, रिमेंस NH2. राइट, so what remaining is RC double bond O and NH2 remains, right? This is an amide. Getting point. Plus kya aayega, plus water, you can write it down. Plus you get is a water. Okay, very simple reaction, kuch nahi karna hai isme. And then if I take acyl chloride, ye le leta hu chloride, isme dal diya maine fir se ammonia. So this reaction is directly you get an amide, right? NH2 plus NH3 का एक H और HCl बन जाएगा आपका HCl. समझ आई मेरी बात, ठीक है. ये पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन और ये तीसरा रिएक्शन, ठीक है. अब क्या देखेंगे, लेट्स टेक एन एसिड वंस अगेन, डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना. इससे हमें जो मिलेगा, I put here NH3, correct? I would get a compound looking something like this, CH3C double bond O, O minus NH4 plus, correct? This compound ka naam hoga, anyone any guess? This is an ammonium salt, correct? So I can write here ammonium salt of acid, right? और इसको आगे जाके हीट कर दे, हीट करने से आपको मिलता है CH3C डबल बॉन्ड ओ NH2 प्लस वाटर, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इट्स एन अमाइड बट बिकॉज एसिडाइल ग्रुप इज देयर CH3C डबल बॉन्ड ओ, देयरफॉर आई विल कॉल इट एज व्हाट, एसिड अमाइड, राइट, आई विल कॉल इट एज व्हाट, एसिड अमाइड. ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिमेनिंग ओवर हियर इज दैट of a benzene ring. Now let's take a benzene ring. Correct. ये benzoic acid के दो दो अभी सी इसमें COH दो दो डाल दिए इसमें COH COH correct. ऐसे acid का नाम है thalic acid. PH THA LIC thalic acid. ठीक है. थाली वाला acid. इसमें क्या डालता है, दो H दो COH group है तो डाल दो दो NH3. है ना, और वही आ जाएगा जैसे ऊपर आया वैसे इधर भी करना है, सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है. क्या करोगे, सी ना ओ ओ ओ माइनस NH4+, यहाँ पर क्या है सी ओ माइनस NH4+, करेक्ट. आगे इसको भी हीट करोगे,
इसमें से भी वाटर निकलेगा बाहर, तो क्या आएगा आपको प्रोडक्ट में, कोई बता सकता है? व्हाट विल गेट? इसमें से पानी निकल गया, कितने? दो मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, तो क्या आएगा? सिंपल अमाइड है ना, NH2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? NH2 बच्चों, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है अमोनियम टैलेट। ओके, और इसका नाम जो बना है इसको कॉल्ड एज थैलामाइड। यहाँ पर पी साइलेंट है सब में, क्या मिला हमको? थैलामाइड। और इसको यहाँ तक तो किया था हमने दोनों रिएक्शन, लेकिन इसको अभी हीट कर देंगे। वन मोर थिंग इज पॉसिबल, व्हेन ही हीट इट अमोनिया गैस विल कम आउट, करेक्ट? एंड द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच यू गेट वंस अमोनिया कम्स आउट इज समथिंग लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O एंड NH, करेक्ट? ये तो निकल गया ना, यहाँ से एक NH2 और एक H निकल गया, तो बचता क्या? दिस टू विल कम टुगेदर देन, एंड द लास्ट कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड एज थैलामाइड। लास्ट कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट? थैलामाइड, राइट? फाइनल कंपाउंड मिला हमको कौन सा? इसका नाम है थैलामाइड। पहला वाला था थैलामाइड, उसके पहला था अमोनियम थैलेट, एंड जो कि बना था थैलिक एसिड से। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट्स आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स एज वेल, राइट? मेनी कंप्यूटर एग्जाम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट इट डाउन। सर तो शेवटी अमोनियम गैस जाते ना बाहर? हो, अमोनियम बाहर, अमोनिया गैस, करेक्ट। So this is how we have ended with your fourth one, correct? Fourth part, चार reaction थे आपके OH group टूटने के, तो ये चौथा वाला खत्म हो गया। अब हम लोग तीसरा वाला देखने जाएंगे, C वाला, जिसमें था reaction involving C double bond OH group, right? और ये था C, और एक है D आपका substitution reaction in the hydrocarbon part, correct? This is what is remaining now. देखो इसको फटाफट समर देशपांडे, समझ लगा? यस सर, समझ गया। गुड, हो गया लिख के? सर नहीं,
ठीक है, बढ़ते हैं अभी आगे. आगे बढ़ा जाए. ठीक है, बढ़े आगे. तो बच्चों जो अमाइड मिला है ना आपको, अमाइड जो अमाइड मिले हैं आपको, इसका यदि आप हाइड्रोलिसिस करोगे विल गेट एन एसिड. करेक्ट, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलता है हमको, वी गेट एन एसिड. करेक्ट, तो या यू कैन यूज आइदर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, दोनों में मीडियम इस्तेमाल करके अमाइड्स का हाइड्रोलिस करने के बाद आपको मिलेगा एसिड. ठीक है, विल गेट एन एसिड. राइट, सर कोणता अमाइड सपोज, कुठला आहे अमाइड? अच्छा ओके, एनी अमाइड है ना. ओके सो नाउ सर एक सेकंड, दोन मिनट घ्या ना मग. तर इथे तुम्ही एक्झाम्पल म्हणून ॲसेटामाइडचा हायड्रोलायसिस करून विचारलं सांगितलं ना. Oh, right, right. You can take any acid, any amide. You can do hydrolysis, you will get acid. Okay? Done, sir. Yes. Now, next reaction, we'll see is your C part. आपका जो देखना था वो C part में हम लोग क्या देखने वाले हैं? Reactions involving COH. ग्रुप. ठीक है, सबसे पहले देखना है हमको रिडक्शन, और दूसरा रिएक्शन होगा अपना डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन याद है बच्चों, अल्केन्स में हमने पढ़ा था. वी हैड डन इन अल्केन्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो वो सेम रिएक्शन है. फिलहाल दोनों रिएक्शन तो हमने देखे. करेक्ट, बोथ द रिएक्शन वी हैव सीन. क्या करना है रिडक्शन में, ठीक है ना, एसिड. ओके, डाल दो एल आई एल एच फोर और एच थ्री ओ प्लस. एल आई एल एच फोर यू एड इन ईथर. करेक्ट, क्या आता है आपको, सिंपल रिएक्शन, विल गेट एन एरल कॉल डायरेक्टली आर सी एच टू ओ एच, बस इतना ही करना है इसमें. करेक्ट, आर सी एच टू ओ एच डायरेक्टली यू गेट. Now instead of LiLH4 you can also use B2H6, right? आप B2H6 का इस्तेमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए. एंड B2H6 reduces only acid, reduces only acid, है ना. It cannot reduce your alcohols, your esters, your halogens, your nitros, किसी को reduce नहीं कर सकता. सिर्फ किसको reduce कर सकता है B2H6? B2H6 can only reduce your acids. ठीक है, only reduces your acids. Correct, but just diborane, yeah, sirf acid ko reduce karega, baki kisi ko reduce nahi karne wala. Aur dusra reaction apna kaun sa, decarboxylation reaction. Decarboxylation mein kya hona hai, humne dekha hai, bahut famous reaction hai, kuch karna nahi isme. O minus Na plus, theek hai, क्या क्या दिखाता है इसमें, डाल दो एन ए ओ एच प्लस काओ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या निकलता है बाहर, गेट एन अल्केन. ये इलेवेंथ स्टैंडर्ड का ही रिएक्शन हम लोग वापस दिख रहे हैं. एंड यू गेट एन ए टू सी ओ थ्री. करेक्ट, दिस कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन रिएक्शन. स्टेप डाउन क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही कार्बन मिलता है आपको प्रोडक्ट में.
करेक्ट. इन प्रोडक्ट यू गेट व्हाट प्रोडक्ट यू गेट ओनली वन आर. एक कार्बन कहाँ है, इधर चला गया. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्टेप डाउन. कि स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि एक स्टेप हमने पीछे चले गए. करेक्ट. सो इन लाइफ वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू स्टेप डाउन, है ना. करेक्ट. टेकिंग रिवर्स गियर. सर ते B2H6 सांगत होते तुम्ही. B2H6 काय आहे, हा रिड्यूस करू शकतो याला, ऍसिडला, LiLH4च्या जागी. फक्त ऍसिडलाच रिड्यूस करू शकतो, दुसरं कोणाला रिड्यूस करू शकत नाही तो. LiLH4 का टाकलं तिथे? LiLH4 का टाकलं, असंच टाकलं. जे वापरू शकतो ते टाकू शकतो आपण, काय प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे एक ऑप्शन म्हणून सांगितलं का, B2H6 पण LiLH4च्या जागी असं का? राईट 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 एक्झॅक्टली. म्हणजे ऑल्टरनेट मेथड, म्हणजे B2H6 पण वापरू शकतो तिकडे, असं म्हणतोय मी. ओके सर, ठीक आहे. तर आता ही झाली आपली स्टेप डाऊन रिएक्शन. आता हा झाला सी पार्ट. नाऊ वी वांट टू सी डी पार्ट. डी पार्ट इज अ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. करेक्ट. तर सी पार्ट खूपच छोटा होता, है ना. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स. करेक्ट. आणि याच्यात दोन पार्ट बघणार आहे आपण. पहिली रिएक्शन त्याला म्हणणार आपण अल्फा हॅलोजिनेशन. अल्फा हॅलोजी ओ हॅलोजी नेशन, ठीक आहे. और दूसरा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा, रिंग. करेक्ट. रिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. वेरी सिंपल रिएक्शन. जस्ट सी व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली हियर इज, है ना. इस रिएक्शन का नाम है, सबसे पहला वाला हम लोग चालू करते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन. और नाम इसका बड़ा भयानक है. करेक्ट. इसका नाम है रिएक्शन का हेल. गो टू हेल. हेल वोलार्ड. करेक्ट. ज़ेलेंस्की रिएक्शन. करेक्ट. इसको HVZ भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में. हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या करता है, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की ने क्या किया है, ना. करेक्ट. हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की मेड आउट अ हेल आउट ऑफ हेवन. करेक्ट. RCH2 और हेवन आउट ऑफ हेल, व्हाट एवर ही माइट हैव डन, है ना. लेकिन हम लोग को टेंशन दे के गया वो बेचारा. करेक्ट. H2 और रेड फॉस्फोरस में डाल दिया, है कि नहीं. और दूसरे इसमें डाल दिया पानी. सिंपल, यू जस्ट रिमेंबर द रिएजेंट्स व्हिच वी आर यूजिंग हियर. करेक्ट. एसिड यू पुट व्हाट, H2 एंड रेड फॉस्फोरस. नाउ अल्फा हैलोजिनेशन क्यों, क्योंकि ये जो हैलोजिनेशन होने वाला बच्चों कहाँ होगा, ये कार्बन जो है अपने इसके एडजेसेंट वाली, इस कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन है. तो क्या होगा, इसका एक एक्स निकल जाएगा. समझ में आ रही मेरे बात. तो डू यू गेट द प्रोडक्ट व्हाट, RCH and I get a X here, right? So very simple reaction we had. Hitting point. और इसको फर्दर में क्या करूँगा, इसमें फर्दर में डाल दूंगा फिर से H2 रेड फॉस्फरस और वाटर डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा मुझे फिर से RCXXCOH. और इसमें यदि मैं डाल दूंगा फिर से क्या आएगा, H2 रेड फॉस्फरस और पानी इसमें डालूंगा, तो क्या होगा, ये नो रिएक्शन कहला जाएगा बच्चों. क्यों नो रिएक्शन है ये, क्योंकि नो रिएक्शन क्यों है, क्योंकि अभी H खत्म हो गया ना. जब तक H है, दो H थे इसलिए दो स्टेप में हुआ रिएक्शन. जैसे ही H खत्म हो गया बच्चों, काम खत्म हो गया अपना. जब तक H है तब तक ही क्या है, रिएक्शन जिंदा है, नहीं तो रिएक्शन किसी काम का नहीं बचेगा. जब तक ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक वो आयतमी जिंदा है, तो किसी भी काम का नहीं है. मैं क्या मेरी बात बच्चों. सर वो रिएक्शन का नाम वापस से बता सकते हो क्या? देखो ना ऊपर लिखा है हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन. हाँ वो सर के आर है कि एन है वोलार्ड में दे. आर नहीं नहीं बी है तो बी. सर नहीं 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 तो काय हेल वोलार्ड LARD, ठीक है.
सर हे त्या सायंटिस्टचं नाव होतं का? हो हे तीन चार सायंटिस्ट लोक ज्यांना काही काम नव्हते ते सोबत आले, ही रिएक्शन बनवली त्यांनी. हेल वोलाड झेलेन्स्की. ठीक आहे. तिघ लोकांनी रिएक्शन बनवली. ठीक आहे. शॉर्ट फॉर्म मध्ये काय म्हणतो आपण? एच व्ही झेड रिएक्शन. ओके, शॉर्ट फॉर्म विल कॉल इट अस. दिसलं का आता काय लिहिले? है ना? ठीक आहे. निष्णा म्हणणार खालची हँडरायटिंग किती चांगली आहे वरची बघा, काय लिहिले काय समजत नाही. बरोबर ना? नाही सर. ओके, सो ये तो आपका हो गया पहला वाला. ठीक है. और ये हो गया आपका दूसरा. अभी सेकंड वाज कौन सा अपना? रिंग सब्स्टिट्यूशन. करेक्ट. सेकंड क्या है अपना? रिंग सब्स्टिट्यूशन. ओके, सेकंड अपना रिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग. सिंपल सिंपल से सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें. आप लोग बोले सर हर रिएक्शन आप ऐसे ही कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना है. बोलना क्या चाहते हैं आप, है कि नहीं? मतलब पहले ऑलरेडी किया है हमने रिएक्शन. इसमें देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दो, इसमें डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. करेक्ट. क्या है ये? बेंजोइक एसिड. एंड दिस इज मेटा डायरेक्ट ग्रुप, वी नो. क्या होगा? COH कहाँ आ जाएगा? ये NO2 आ जाएगा यहाँ पर मेटा पे, है ना. ये हो गया पहला रिएक्शन, रिएक्शन नंबर ए. और रिएक्शन नंबर बी यदि हम देखें तो सिंपल रिएक्शन, COH कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया, इसमें हमने डाल दिया Br2Fe. अगेन वी नो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. करेक्ट. अगेन बी आर विल कम ऑन द मेटा. राइट. ओके, राइट दिस डाउन, लिखो इसको. तो इस तरह से इसके सारे के सारे रिएक्शन अभी हो गए. किसके? आपके एसिड्स के. सर तो COOH मेटा डायरेक्टिंग है. ओ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स देतो ना, घेतो ना. तो रिंगला ऑक्सिजन थोड़ी अटैच है, कार्बन अटैच है. हाँ 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 हाँ. तो कार्बोक्सिलिक एसिड मध्ये ऑक्सिडेशन होणार का? सांगा तर. ते होईल ना. हाँ होईल ना. कसं? आपण तर बघतो सर ते ऍसिड असो ते एच प्लस तर देईल आणि एच लॉस ऑफ एच इज ऑक्सिडेशन. ओके, लॉस ऑफ एच इज ऑक्सिडेशन. लॉस ऑफ एच इज ऑक्सिडेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट आई एम टॉकिंग. इफ यू पुट ऑक्सिडाइजिंग एजेंट इन दैट, करेक्ट ना?
if you put oxidizing agent in COH, what would happen? Just like in alcohols, you are adding oxidizing agent, no? Correct? So alcohols used to get converted to aldehydes. Further, they were getting converted to your what? Acids. We acids ko kar sakte hai oxidize. Oxidizing agent dal ke. बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम है. एसिड्स आर वेरी वेरी रेजिस्टेंट टू योर ऑक्सीडेशन, बट ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भर भर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए है ना, और बहुत ज्यादा हीट किया, तो अल्टीमेटली दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विल ब्रेक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, बड़ा मारपीट के करवाया रिएक्शन, तो क्या क्या बना देगा अल्टीमेटली? ही कैन गिव मी वाटर, राइट? पानी देके छोड़ देना रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिक्विड की. ओके, नेगेटिव फॉर्म. Getting my point. सर कुछ ब्लैंक आ रहा है. हाँ वो मैंने किया है, मैंने उसको किया है वो ब्लैक को, ताकि उस पर कुछ लिख सकूँ. जब तक आप साइड का लिख रहे हो तब तक. क्या है इसका आंसर बताओ. व्हाट वुड आंसर कम? बस मुझे बताओ एक्स कहाँ आएगा, नाम वाम नहीं बताना चाहिए. कौन से कारण पे सी एल आएगा? 1, 2, 3, 4 और 5 सेकेंड वाले पे. वेरी गुड, दैट्स व्हाट इज द नेम. अल्फा पे आएगा सी एच थ्री ट्वाइस, सी एच सी एच सी एल सी डबल बॉन्ड ओ एच. ओके गुड. नाउ देयर इज वन रिएक्शन यू नो called as borodin Hans-Dicke reaction. Correct, this is D-I-C-K-E-R. Okay, Hans D-I-E C-K-E-R, correct? Hans-Dicke reaction, correct? क्या होता है इसमें? Simple reaction is there. Okay, if I have a H की जगह यदि silver आ जाता है यहाँ पर, and if I add a Br to here, correct? So sometimes you'll find this reaction in your alkyl halides chapter also. We have not done there. We are doing it here, and if I add it in a very stable solvent, just like CCl4, it's very very stable solvent. You know, in product I get what? I'll get as in product as alkyl bromide, plus I'll get AgBr. Correct. Br2, you know,
एक बी आर इसके साथ आता है और ए जी इसके साथ बचा गया, सी डबल बॉन्ड ओ बच गया। क्या करेगा सी डबल बॉन्ड ओ? सी ओ टू बनाएगा प्लस सी ओ टू, तो आर बी आर प्लस ए जी बी आर प्लस सी ओ टू करेक्ट। एंड नाउ दिस इज आर बी आर इज बॉन्ड एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो इज कॉल्ड स्टेप डाउन रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी कहते हैं क्या, स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि एक कार्बन कम हो गया, यहाँ पर दो दिख रहे आर और सी है, प्रोडक्ट में क्या है सिर्फ हमको आर ही मिल रहा है। ठीक है, सो लाइक दैट वी हैव टू डू। वन मोर रिएक्शन आई वुड प्रिफर, आई विल नॉट राइट इट हियर, बट ऑल ऑफ यू रिफर कॉल्ब सिंथेसिस, जो आपने अल्केन चैप्टर में किए, सेम रिएक्शन इज देयर, यू जस्ट गो थ्रू दैट, करेक्ट। कॉल्ब सिंथेसिस होमवर्क आपको ही लिखना है, सेम रिएक्शन इज देयर, डन ऑलरेडी। सर हॅलो अल्केन्स मध्ये का ते कॉल्स वाला? नाही नाही, अल्केन मध्ये, फक्त अल्केन मध्ये, ओनली इन अल्केन्स, फक्त अल्केन म्हणजे कोणतं सर? हायड्रोकार्बन्स। ओके ओके, हो गया। हो गया क्या? ठीक है, नाउ यू हैव दिस ग्रुप, ओके, and G is your first hydrogen, second is Cl, third is CH3, fourth is NH2, and fifth is NO2, correct?
फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यू नो फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हु विल रिएक्ट फास्टेस्ट. कल ऑर्डर तब तक. ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए जीओसी में, ये बोलता था जीओसी का एप्लीकेशन हर जगह होने वाला है अभी आगे भी. नो नाइस ब्रोक, चुकले काय तरी दोने चुकलेत का सर? हो करो करो इसको फटाफट. नाही त्याच्यात पण गडबड आहे काहीतरी. हे पण नाही. या श्रुति हॅज गॉट करेक्ट, दॅट्स करेक्ट, परफेक्ट. बाकी लोक आ रहे कुछ?
आ गया. ओके फाइन आई विल टेल. तो करेक्ट ऑर्डर इज 5, देन यू हैव 2, देन 1. एच तो हम इसे बीच में रहते हैं, करेक्ट. देन यू हैव 3 एंड देन फाइनली 4. क्यों? क्योंकि NO2 कौन सा ग्रुप है? NO2 इज प्लस आर ग्रुप. Cl इज, Cl क्या है? अरे NO2 प्लस आर है क्या? माइनस आर है, माइनस आर है ना, करेक्ट. NO2 इज माइनस आर ग्रुप. Cl इज माइनस आई एंड प्लस आर, लेकिन Cl एक एक्सेप्शन है, हमने ऑलरेडी देखा है, इसलिए Cl क्या होता है? हमेशा माइनस आई दिखा रहा है. राइट, NO2 Cl. H क्या है? H तो न्यूट्रल है, कुछ है नहीं. सी एच थ्री इज प्लस आई एंड देन एन एच टू इज प्लस आर. प्लस आर भी है, प्लस आई भी है, लेकिन प्लस आर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. राइट ना. सो द थिंग इज दैट द नेगेटिव ग्रुप्स है ना, करेक्ट, दे आर इंक्रीजिंग इट्स रिएक्टिविटी. राइट, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस इन योर इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट, करेक्ट. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन भी किया होगा हमने है ना आपके जीओसी में. राइट, सो नेगेटिव पार्ट वाले जो है वो क्या करेंगे? रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, करेक्ट. कार्बन से ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे है ना, और वो एच क्यू चले जाएगा जल्दी से, कार्बोक्सिलिक एसिड एच जल्दी जाएगा क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन खा लिए है ना एनओ टू वाले ने सब ने, और उसको इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए तो क्या करेगा वो है ना, वो एच से इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ले लेगा. राइट, ही विल टेक फोर्सफुली और एच को हगा लेगा. करेक्ट, ही विल टेक इलेक्ट्रॉन्स एंड ही विल थ्रो अवे एच. राइट, दैट्स हाउ इट्स फॉर्म्ड. ओके, सो दैट्स हाउ यू टेक आउट द ऑर्डर. समझ में आया अभी? एनी डाउट हियर? डिपेंड्स कि रिंग पे कौन जुड़ा हुआ है. ठीक है, नाउ यू सी आई विल गिव यू 3 कंपाउंड्स. दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, करेक्ट. फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन जल्दी एच को निकाल देगा, ये वाला एच जो है, करेक्ट, इसको कौन निकाल देगा है ना, जल्दी कौन एच को निकालेगा बताओ. तो क्या होगा इसमें, कैसे फाइंड आउट करोगे? आई विल गिव यू हिंट, यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. sp2 sp3 sp का इस्तेमाल करके आपको दिख रहा है डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, इधर कुछ झमेला है ना, इसको देखते हुए आपको सॉल्व करना है. ठीक है,
Oh, good. This time you've got given correct answer. Good. This time Pru has given correct answer. Right. No. Yeah, good. Good, good. Once again, Shruti has given correct answer. Correct. Okay, good. Similarly, also has got correct answer. Good, good, Hindi. Can anyone explain those who have given all correct answers? Can you explain what could be the concept behind this? Sir, जेव्हा तो H plus बाहेर निघतो ना तेव्हा जो कंपाउंड जास्त स्टेबल असेल तो जास्त रिएक्टिव करता येईल ना. सो ट्रिपल बॉन्ड मध्ये जेव्हा ओ एच म्हणून एच बाहेर निघतो तो ओ वरती म्हणजे कमी नेगेटिव्ह चार्ज राहतो. सो तो जास्त स्टेबल होतो एज कम्पेरेटिव्ह टू वरचे दोन. ओवरती कमी नेगेटिव्ह चार्ज का आहे पण कारण ट्रिपल बॉन्ड आहे ना तर तो जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे ना. ओके खेचतो ना. गुड गुड राईट करेक्ट. सो हियर यू सॉ दॅट दिस ट्रिपल बॉन्ड इज विल दिस इज एसपी दिस इज एसपी टू अँड दिस इज एसपी थ्री. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह इज एसपी करेक्ट. सो यू कॅन जस्ट ग्रुप देम ऑल नो. If you could just group all of them, correct? These groups are all separate now. And this is your acid which is there behind you, correct? So what is happening? These are minus I groups, correct? So minus I, iska minus I, aur iska bhi kya? Ye plus I dikhayega apna, correct na? Ye plus group hai, correct? These are more electronegative than this. So ये तो टू तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट रहेगा लेकिन ये एस पी का इलेक्ट्रोनेगेटिव एस पी से ज्यादा है ना इसलिए क्या हो जाएगा ये दिस वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ऑर्डर वुड बी थ्री देन योर वन एंड देन इट वुड बी टू. ओके क्या करेगा ट्रिपल वन इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. ये पार्सल नेगेटिव है पहली ये क्या है पार्सल पॉजिटिव है और ये ऊपर से खींच रहा है तो क्या हो गया इसका पॉजिटिविटी बढ़ गया कार्बन का है ना. तो कार्बन क्या हो गया अभी दोनों तरफ से खींचा जा रहा है ये वाला कार्बन है ना. ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है करेक्ट. पॉजिटिविटी का संख्या बहुत बढ़ जाता है कार्बन के पास और इसने भी खींच के रखा है सबसे पहले. तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए क्या करते हैं. कार्बन छान तो नहीं बैठने वाला इलेक्ट्रॉन तो चाहिए. इधर से भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे ये भी ले रहे जा रहे ये भी लेके जा रहा है सब लोग खा रहे उसको बेचारे को. तो क्या करना चाहिए उसने व्हाट ही शुड डू. सो हैपेंस व्हाट इज दैट करेक्ट. तो ऑक्सीजन को अपना कार्बन जो है दोस्त उसकी मदद करने की बहुत इच्छा है इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है इस एच को लात मार के भगा देता है
और क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रख लेता है अपने पास, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स मोर एसिडिक। नाउ खेलते बैठो, अभी कार्बन भी खुश और ये भी रेजोनेंस की वजह से ये भी खुश है ना, खेलते बैठेंगे रेजोनेंस रेजोनेंस ना, समझे, दैट्स व्हाई इट इज है ना मोर एसिडिक द एसपी वाला ग्रुप देन द एसपी टू एंड एसपी थ्री वाला ग्रुप। गॉट माय पॉइंट? एनी डाउट हियर इन दिस? इसमें कुछ डाउट है क्या? No doubt, so for all acids, always remember wherever there is minus I group, it would be more acidic. You know, suppose if I have this, correct? If I have this group, I have a F, and I have a Cl group, correct? So, इसमें से acidic ज़्यादा ये होगा, क्योंकि ये इसका minus I ज़्यादा दिखा रहा है F. दोनों ही minus I, लेकिन strength किसका है? F का ज़्यादा है. इसलिए ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो जहाँ कभी एसिड के लिए देखना हमेशा माइनस है, जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं वो क्या होता है, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है आपके लिए। ओके, गॉट माय पॉइंट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स हियर? यस। नो डाउट्स? ओके फाइन। So we are done with our chapter. In this way, we have completed the chapter, right? And next time we'll take your doubts as well, your paper doubts, and we will start with a new chapter called as the coordination compounds. That's how we begin the next chapter with. Okay. So for today, we'll end here, right? I'll send you the homework. All of you can solve that, and. Let's meet next time with a new chapter, and keep practicing these chapters. Okay. So thank you very much. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. So I'll end.